हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार वाला नमस्कार। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेम जी उत्तराखंडी। तो दोस्तों, मैं कई दिन से आपको बोल रहा था कि भाई आपको चोपता जरूर दिखाऊंगा। तो ये मेरा थोड़े दिन पहले के ब्लॉग है, तो ये आपको ज़रूर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे, तो आज हम जा रहे हैं चोपता गुप्तकाशी होते हुए। तो ये आप बोर्ड देख ही रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। तो चलो जी, बने रहे वीडियो में और दिखाता हूँ आपको आज चोपता, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। खबर चली तब गए आज बोल गाँव एक मंदिर में खेड़ी वाला मैडम एक तो 6 महीने यार तो दोस्तों, ये है चोपता रोड जिससे हम अभी जा रहे हैं। यहाँ से ये आप रोड देख रहे होंगे, काफी चढ़ाई है इसमें, बहुत खतरनाक वाली। चोपता तक 30 किलोमीटर कुल चढ़ाई जिसे बोलते हैं इस रोड पे। और अभी थोड़ी देर पहले हुई यहाँ पे बारिश और आप मौसम देख ही रहे होंगे, और काफी अच्छा व्यू इन गांवों का यहाँ पे। दोस्तों, अभी चल रहे हम चोपता के जंगलों के अंदर। देख सकते हैं सुबह के अभी 7:30 बजे, काफी जबरदस्त व्यू आया यहाँ का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, तो अब पहुँच गए हम जी मिनी स्विट्जरलैंड इंडिया के, यानी चोपता। तो ये है जी यहाँ का मेन मार्केट जैसे बोलते हैं, है तो लेकिन छोटी मार्केट, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। और यहीं थोड़ी आगे पे आपको दिखाऊंगा, तो वहीं से जाते जी तुंगनाथ मंदिर के लिए, जहाँ पर कि आपका ट्रैकिंग का रोल बनता है। ऊपर पैदल जाना पड़ता है काफ़ी ऊपर तक, और आधारशिला भी ऊपर ही है आपके तुंगनाथ में। तुंगनाथ से 2 किलोमीटर ऊपर जाके पड़ता है आधारशिला, जहाँ पे कि व्यू एकदम ज़बरदस्त मिलता है आपको। यहाँ ट्रैकिंग वगैरह, कैंपिंग, और आप यहाँ पे इसकी तो खैर इस टाइम पे नहीं होती। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये यह यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप झंडे देख रहे होंगे, तो यहीं से जाते हैं जो ऊपर तुंगनाथ मंदिर के लिए। और ये है यहाँ का मेन स्टैंड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है। पार्क इसलिए हो रखी है क्योंकि यहाँ पे 12 माह सीजन हो या ना हो, पर्यटक यहाँ पे आते ही रहते हैं और घूमते रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है ये, और काफ़ी मनमोहक दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग और काफ़ी ज़बरदस्त होती है, ये आप देख ही रहेंगे। आपको दिखाया जाए, और मेरी गाड़ी है खड़ी,
एकदम सुनसान जंगल है, आप आवाज़ें सुन सकते हैं, सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है और कुछ आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे, एकदम शांति जैसे बोलते हैं, तो वह है चोपा में। घना जंगल एकदम बांज और बुरास का जंगल है, थोड़े बहुत देवदार भी है और सदियों पुराने, मतलब सालों से भी कई सौ साल पुराने पेड़ है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे बहुत पुराने पुराने पेड़ है ये। आगे भी हमारे साथ की गाड़ियां भी, क्योंकि अभी चल रहे हैं, तो ये आ गई जी साथ की गाड़ियां, तो ये चलेंगे अभी साथ में हमारे बद्रीनाथ। तो दोस्तों अभी ब्रेक में रुके थे हम नाश्ता करने के लिए, जो कि चमोली से 4-5 किलोमीटर आगे पड़ता है, ये साथ के आप देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारी सब सवारियाँ नाश्ता करके अब चलने के लिए तैयार हो चुकी है बद्रीनाथ के लिए। और ये देखो जी चौड़े, और आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? अरे जुकाम लग गया, बद्रीनाथ तो अभी जा रहे हैं केदारनाथ में, बद्रीनाथ के लिए है। तो एंजॉय कर रहे हैं भाई, ये हमारा धंधा 8-9 दिन हो गए साथ में, तो ऐसे चलता रहेगा अभी फिलहाल, देखते कितने देर तक चलता है। बहुत ही अच्छा स्टाफ है हमारा, जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है, मजा आ रहा, मिलजुल के रह रहे भाई इतने दिन हो गए, बाहर की तरह एकदम वही तो झकास। और भाई धूप लग रही है आज, तो बहुत ये तो खा खा के इसका तो पेट बहुत बड़ा हो गया, बिरिया खा रहे हैं आज, मिल रहा आप बिरिया खा लेना, उससे देखो इसका कितना बड़ा हो गया। अरे हमारे पास आपका देखो, बाकी मेरा पेट दिखाई नहीं देता नीचे,